हाँ जी बताइए बने बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप। हाँ सर, मैं ये रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा था कि जैसे मुझको ये जो यूपी गवर्नमेंट का समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है उसमें शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ, तो उसके लिए ये था कि एक किसी प्रोफेसर से पहले कंसेंट लेना है आपको, और जिस इंस्टीट्यूट में करंटली पढ़ रहे हैं उसमें कर नहीं सकते हैं। जैसे मैं IIT कानपुर में हूँ इस टाइम पे, तो यहाँ पे नहीं कर सकता, तो फिर बाकी इंस्टीट्यूट्स में मैं मेल कर रहा था प्रोफेसर्स को, तो मुझे अभी तक किसी का पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं। अभी बस दो लोगों का रिस्पांस आया, तो उसमें भी वो एक का रिस्पांस था कि वो समर में अवेलेबल नहीं रहेंगे, और दूसरे प्रोफेसर ने बोला कि वो किसी को मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट करवा नहीं रहे हैं। सर, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आप कुछ सजेस्ट करें कि मैं किसको मेल करूं, किसको अप्रोच करूं। देखो, जैसे समर रिसर्च आपको मान लो यूपी गवर्नमेंट का जो आपको फेलोशिप मिला है, तो उसमें एक तो जैसे आपने बताया कि ये है कि उसमें होम जो इंस्टीट्यूट है आपका IIT कानपुर जैसे है, तो हाँ कानपुर से सर, आप हाँ नहीं कर सकते। तो जैसे ना हाँ बहुत सारे लोग आप लिंक्डइन पे देखते हो, लिखो कि वहाँ लोग लिखते रहते हैं ना कि इसमें प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ मैं। जैसे एग्जाम्पल कर मैं कहीं का देखा था अभी, आई थिंक IIT गुवाहाटी अभी डाला था, वहाँ पे हाँ एक सर, वो मैंने अभी अभी देखा, लेकिन वो PhD पोजीशन के लिए है शायद। नहीं, प्रोजेक्ट तो कर ही सकते आप, PhD नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है। समर इंटर्नशिप वो लोग करवा रहे हैं, उनमें एक सर हैं अमूल्य कुमार महतो, उनका मैंने पोस्ट देखा था हाँ लिंक्डइन पे, वो अभी रिसेंटली हाँ ज्वाइन किए हैं IIT गुवाहाटी, वहाँ मेरा दोस्त PhD भी कर रहा है निखिल, तो ओके सर, वो डेटा साइंस डिपार्टमेंट है, अमूल्य कुमार महतो सर हैं, ये IIT हाँ पटना से PhD किए हैं एक्चुअली, और IIT मंडी जी में सर, प्रोफेसर थे कुछ दिन पहले, अभी IIT गुवाहाटी ज्वाइन किया रिसेंटली। हाँ तो सर, मैंने इनकी प्रोफाइल शायद IIT मंडी में देखी थी। हाँ, ये मंडी में अभी कुछ प्रोफेसर लास्ट ईयर 2-3 महीने पहले, 6 महीने पहले मंडी में प्रोफेसर थे, उससे पहले वो ओके IIT ओके, पटना से उन्होंने PhD किया है, उनके अंडर हाँ योगेश मणि त्रिपाठी सर है उसके अंडर, जो सोमेश सर के स्टूडेंट है एक्चुअली, तो वैसे किया हाँ है। ओके सर, तो अभी मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि जो IIT गुवाहाटी का ये है, कोई गुप्ता समथिंग गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो, है हाँ ना, तो उसमें जो हाँ फैकल्टीज है वो इस बार सारी फैकल्टीज इंटर्नशिप करवा रहे हैं आप, तो वहाँ आप ईच फैकल्टी को आप वो कर सकते हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं, ओके कोई ना सर, कोई हाँ बोल ओके देगा। एक तो सर, ये ऑप्शन आपके पास है, दूसरा जैसे हाँ और सर, भी IITs हैं जो कराती हैं आपको, जैसे बहुत सारे लोग ऑफिशियली इंटर्नशिप करवाना चाहते हैं, जैसे IIT पटना में भी आप पूछ सकते हो, तो कुछ IIT लोग पटना में सर स्टैटिस्टिक्स की फैकल्टी है क्या? है ना, IIT ये जो पटना में, अमूल्य कुमार महतो है ये IIT पटना हाँ से स्टैट्स में PhD हैं, इनका ओके इनका सर, गाइड मैंने है IIT योगेश, पटना का चेक इनका नहीं है, किया। हर IIT में स्टैट्स के प्रोफेसर हैं, जितनी IIT इंडिया में सब में 2-3 स्टैट्स के प्रोफेसर है ही, और उनके अंडर आप प्रोजेक्ट या PhD कर सकते हो। तो ये योगेश मणि त्रिपाठी सर के अंडर इन्होंने PhD किया अमूल कुमार महतो सर, और योगेश मणि त्रिपाठी सर ने सोमेश सर के अंडर PhD किया है खड़गपुर जी से, तो ऐसा है। ओके, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो, IIT पटना में अप्रोच कर सकते हो, IIT गुवाहाटी में, या डिफरेंट IITs पे जाके जो स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हर IIT में 2-3 हैं, कम से कम 2-3 हाँ होंगे हर सर, IIT में, तो उनको आप मेल कीजिए, सेम मेल है बस ना, मेल कीजिए, वो आपको रिपोर्ट करेंगे, मिल जाएगा, मुझे लगता है गुवाहाटी वाले हाँ बोल देंगे, तो इनके अंडर आप समर इंटर्नशिप या समर प्रोजेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, ओके सर, ये चीज़ है। सो बाकी ऐसे ही मैथ्स डिपार्टमेंट में जितने IITs हैं उनमें आप अप्रोच करो, मिल जाएगा, ठीक है ना, हाँ ये सर। चीज़ है। सर जैसे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में मैंने कुछ देखा, जैसे IIT रुड़की हो गया और IIT दिल्ली में, जैसे जिन लोगों का रिसर्च प्रोबेबिलिटी थ्योरी में है लाइक, तो उन लोगों का ज़्यादा मैथमेटिकल बैकग्राउंड में होगा क्या, या फिर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थ्योरी तो उधर भी मैथमेटिक्स में भी रहता है। हाँ, तो जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी जिन लोगों का एरिया है तो वो थोड़े हाँ से कोर, मतलब जैसे वो रैंडम वेरिएबल में कन्वर्जेंस में काम करते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ जैसे कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या इस तरह हाँ से फील्ड हाँ में लोग काम करते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से रिलेटेड काम करते हैं, तो वैसा है या ओके, अब उनका रिसर्च पेपर उठा के पढ़ सकते हो किससे रिलेटेड है। तो मैथमेटिक्स वाले जैसे जिन लोगों ने अगर MSc मैथमेटिक्स में की है तो हो सकता हाँ है सर, कि उनका थोड़ा अप्रोच मैथमेटिकल हो, लेकिन जिन्होंने MSc हाँ स्टैट्स में की है तो उनका रिसर्च थोड़ा स्टैटिस्टिकल अप्रोच में होगा, हाँ इस तरह से हाँ रहता तो ऐसे मतलब कई सारी IITs में जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ही जो प्रोफेसर्स हैं, तो उनका जो लगभग ज़्यादातर का उसी में देखा कि स्टोकास्टिक प्रोसेस या फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी उसमें रिसर्च है, तो वो मैं हाँ। वही सोच रहा था कि शायद इनका ज़्यादातर मैथमेटिकल होगा, क्योंकि स्टोकास्टिक प्रोसेस में भी वो थोड़ा सा मैथमेटिकल चले जाते हैं, यस मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो वही चीज़ पूछ रहा था। हाँ, जो जो मैथ बैकग्राउंड से जैसे एग्जांपल के लिए IIT जोधपुर में एक हैं नील कमल हाजरा सर हैं, तो वो भी MSc चूँकि मैथमेटिक्स में है उनका,
तो उनका भी एरिया वही स्टोकेस्टिक प्रोसेस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही आता है। तो ये लोग बेसिक प्रोबेबिलिटी ही यूज़ करते हैं उसमें, बस प्रोबेबिलिटी या स्टोकेस्टिक प्रोसेस यूज़ करते हैं। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड जिनका मान लो रेगुलेशन एनालिसिस रिसर्च एरिया है या टाइम सीरीज एनालिसिस है या जो डेटा साइंस फील्ड में है, तो उनका फिर स्टैटिस्टिकल अप्रोच पूरा होगा, डेटा वेटा एनालिसिस करते होंगे। और जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाले लोग हैं तो ये लोग डेटा एनालिसिस नहीं करते, इनका थ्योरेटिकल काम ही चल रहता है डेटा एनालिसिस और ये डेटा साइंस या इससे कम, मतलब समझ लो कि प्रैक्टिकल थोड़ा कम रहता है, इनका थ्योरेटिकल ज़्यादा रहता है। यस ये है, तो आप उसके साथ प्रोफाइल देखो, थोड़े रिसर्च पेपर देख सकते हो कि किससे रिलेटेड है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो उनको मेल कर सकते हो आप। और हर IIT में 2-3 प्रोफेसर है, सबको आप अप्रोच करो, कोई ना कोई हाँ, बहुत लोग हाँ बोल देंगे। स्पेशली छोटी IIT में एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे अभी IIT इंदौर में वो है ना जिन्होंने जैम मोहम्मद अरशद सर, हाँ अरशद सर, वो भी शायद उनको मेल किया था लेकिन कोई रिस्पॉन्स आया नहीं मुझे। अच्छा अरशद सर है, या अभी IIT नया है, IIT रोपर में ज्वाइन किया है दो फैकल्टी, एक IIT तो रोपड़ में एक दीपक कुमार सिंह, एक पुनीत परीक्षा सर है, अभी उन्होंने ज्वाइन किया जस्ट। दीपक सर को मैंने मेल किया था, उनका तो ये दीपक सर सोमेश सर के स्कॉलर हैं, और पुनीत सर जो है ये IIT दिल्ली में धर्मराजा सर हैं उनका स्कॉलर हाँ। है, इन दोनों को मैं जानता हूँ, तो आप इनको मेल करके पूछ सकते हैं। पुनीत सर तो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, तो हालांकि इनका भी थोड़ा मैथमेटिकल ही होगा क्योंकि ये इनका बिजनेस मैथमेटिक्स में है और इनका स्टोकेस्टिक प्रोसेस नहीं, इनका फाइनेंस में है, तो ये थोड़ा हेल्प कर सकता है अगर आप उससे रिलेटेड हो। इनका रिसर्च एरिया फाइनेंस है, पुनीत परीक्षा है, तो यहाँ दो तीन हाँ। लोग प्रोफेसर, तीसरा भी अरुण कुमार एक है वहाँ पे, तीन प्रोफेसर स्टैट हाँ, हाँ, अरुण कुमार, तो ये IIT बॉम्बे से वेलासामी के अंडर PhD किए हैं। तो अरुण कुमार सर का इनका भी शायद कुछ मैथमेटिकल ही था मैंने देखा, कुछ फ्रैक्टल्स एंड इस पे काम है शायद, ऐसा कुछ हाँ शायद हाँ, वो अप्रोक्सीमेशन पे काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रोक्सीमेशन करते हैं, क्योंकि ये वेलासामी सर बॉम्बे में उनका स्टूडेंट है, ये पी वेलासामी, तो ये IIT बॉम्बे उनका स्कॉलर है ये, तो इस तरह से है। तो आप डिफरेंट IIT में अप्रोच करके देखो, कोई ना कोई हाँ बोलेगा ही, और स्पेशली कुछ लोग ऑफिशियली समर में रिसर्च इंटर्नशिप करवाते हैं तो वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा आपको, क्योंकि उनको भी डिमांड है बच्चों की और आपको भी जरूरत है गाइड की, ये रहेगा। तो उसमें एक बार देखो, या मुझे कोई मिलता है मैं बताता हूँ, अभी तो गुवाहाटी का मैंने देखा था, तो आप गुवाहाटी में जितने भी, गुवाहाटी में डेटा साइंस डिपार्टमेंट में, ये मैथ्स डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है ना, समथिंग मेहता, कोई मेहता डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ हाँ मैंने चेक किया था ऐसा कुछ था, तो उसमें जितने प्रोफेसर स्टैट्स के हैं आप उन सबको मेल करो, आपको कोई ना कोई रिकमेंड कर देगा, ठीक है। ओके सर, आपका भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है अभी ना? हाँ सर, अभी सेकंड सेमेस्टर के अभी एग्जाम होने हैं 21 अप्रैल से। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है अमन, इस बार IIT कानपुर में प्लेसमेंट बहुत कम हुआ है, ऐसा सही है क्या? हर जगह थोड़ी इस बार टाइट रहा है, बॉम्बे भी ऐसा हाँ ऐसा हुआ है इस बार, कुछ अच्छा नहीं हुआ है इस बार। कोई नहीं, देखो अपनी कैपेबिलिटी है, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे, प्लेसमेंट नहीं भी हो रहा है तो भी बच्चा अच्छा कर लेगा अगर वो चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, आप आगे बढ़िए लाइफ में, खुद पर भरोसा रखिए, अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए लाइफ में, कुछ ना कुछ हो जाएगा, अच्छा होगा। ठीक है विनय, तो आप ट्राई करो, अगर नहीं होता फिर मुझे बताना, मैं देखता हूँ एक दो लोगों को, मतलब मुझे भी कुछ जान पहचान है वैसे मैं बात कर लूंगा, नहीं होगा ओके सर, नहीं होगा तो यहाँ खड़गपुर में मेरे प्रोफेसर हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा, उनके अंडर भी कर सकते हैं, लेकिन ये है नहीं ओके सर। खड़गपुर में सोमेश कुमार हैं, बुद्धानंद बनर्जी सर हैं। हाँ सर, मैंने सोमेश सर को किया था मेल, वही है कि कुछ रिप्लाई नहीं आया। ये लोग इतने बिजी है ना, जो सीनियर प्रोफेसर है बहुत बिजी रहते हैं, उनको रोज 100 मेल आते होंगे तो बहुत कम रिप्लाई कर पाते हैं, इसीलिए सर हो सकता है कि नहीं देख पाए हूँ या फिर टाइम नहीं दे पाए हूँ। जो जूनियर प्रोफेसर है वो आपको जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि सीनियर उनके पास बहुत सारे काम है, वो जर्नल में एडिटर रहते हैं। तो सर जैसे जिन प्रोफेसर का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया उनको कुछ रिमाइंडर मेल भेज सकता हूँ क्या मैं दोबारा? हाँ ऐसे कुछ ऐसा भेज सकते हो कि सर आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई और यस, ऐसा कर सकते हो आप चाहो तो। हाँ ओके सर, कई बार रिप्लाई इसलिए भी नहीं करते क्योंकि वो हो सकता है वो उनके पास कोई पोजिशन ना हो, वो प्रोजेक्ट नहीं करवाना चाहते, अवेलेबल ना हो एक्चुअली, ये भी हो सकता है, या आप एज ए रिमाइंडर भेज सकते हो तो हो सकता है वो यस नो में रिप्लाई कर दे आप, ये है ऐसा कर सकते हैं। और नए प्रोफेसर को अप्रोच करोगे तो वो जल्दी रिप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है विनय, ओके थैंक यू। हाँ ओके थैंक यू सर, चलो डाउट क्लास कंटिन्यू।